हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉकेट फैक्ट्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आज समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू कर देंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों हम लोगों ने गोल्ड को 5000 साल पहले निकाल चुके हैं। आप सबको तो ये मालूम है कि गोल्ड एक अट्रैक्टिव और बहुत ही पसंद किए जाने वाला चीज़ है। ये चीज़ सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है, पर क्या मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर सकता है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है कि नहीं। दुनिया भर की साइंटिस्ट ने गोल्ड के बारे में रिसर्च करते करते बहुत साल लगा दिए हैं, पर इसका सिंपल आंसर है कि गोल्ड नॉन मैग्नेटिक है। जो प्योर गोल्ड होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है। मतलब जो 24 कैरेट्स गोल्ड होते हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन 24 कैरेट्स से कम वाले गोल्ड में इम्प्योरिटीज़ होता है, जैसे कि आयरन, निकेल, ये सब गोल्ड में मिलाया जाता है ताकि गोल्ड स्ट्रांग बन सके। इस तरह के गोल्ड मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। गोल्ड के जो एटम होते हैं उसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं और 79 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1800 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और गोल्ड एक डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होने के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, जिसके वजह से मैग्नेट गोल्ड को अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।